जलाशयों के चुनाव के बाद बारी आती है तालाब की सफाई की। मखानों के बीज बुआई से पहले तालाबों से जलकुंभी या अन्य जलीय घास को अक्टूबर नवंबर माह के अंत तक निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर खरपतवार के कारण मखाना की वृद्धि में रुकावट पैदा होती है, जिससे मखाने के उत्पादन में कमी आएगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के लगभग 45 दिनों के बाद पत्तियों द्वारा पानी की ऊपरी सतह ढकने तक निराई करें। मखाने की किस्मों की बात करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नतशील प्रभेद हैं सबौर मखाना 1। इसके बीज की ऊपरी सतह चिकना, चमकदार, हल्के काले और गहरे भूरे रंग का होता है। साथ ही इसके छिलके की मोटाई सबसे कम यानी 0.29 मिलीमीटर होती है। अगर उत्पादन की बात करें तो एक पौधा से लगभग 20 से 27 फल की प्राप्ति होती है और प्रति हेक्टेयर 32 से 35 क्विंटल गुर्री प्राप्त होता है। इस प्रभेद की सबसे खास बात यह है कि इसके 100 किलो बीज से 55 से 60 किलोग्राम मखाना आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा विकसित प्रभेद है स्वर्ण वैदेही, इसे भी आप लगा सकते हैं। अब बात फसल की बुआई की। मखाने की बीज की बुआई सामान्यतः दिसंबर से जनवरी तक की जाती है। किसान भाई, आप मखाने की बुआई और रोपाई दोनों तरीकों को अपना सकते हैं, लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे पुराने जलाशयों जहां मखाने की खेती होती आ रही है उसमें बुआई ज्यादा फायदेमंद है और नए जलाशय में रोपनी लाभप्रद पाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मखाने का बीज काला और गोल होता है, जिसका औसतन आकार 0.8 से 1.3 सेंटीमीटर और वजन 0.8 से 1.2 ग्राम होता है, जिसे आप गुर्री के नाम से जानते हैं। बीज दर की बात करें तो रोपाई विधि में 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सीधी बुआई में 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज में बेहतर अंकुरण के लिए उसे एक सप्ताह तक भीगे जूट के बोरे में छायादार जमीन पर रखा जाता है और बीच बीच में पानी का छिड़काव भी किया जाता है। बुआई से पहले बीज को उपचारित कर ही लगाएं। बीजोपचार करने के लिए 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70WS या थायोमेथोक्सैम 70WS का प्रति किलोग्राम बीज में प्रयोग करें। मखाने के बीज बुआई नए तालाबों में पूरी तरह से की जाती है, क्योंकि बीज की अंकुरण क्षमता 50 से 60% तक ही रहता है। अगर पौधों की संख्या एक जगह पर ज्यादा हो जाए तो उस जगह से पौधे निकालकर खाली जगहों पर प्रत्यारोपित कर सकते हैं। मखाने के पौधों की रोपाई की बात करें तो इसकी दो विधियां हैं। पहला, मखाने की थालायुक्त पौधे से निकालकर रोपाई, और दूसरी विधि में मखाने के पौधे जिसे तालाब से निकालकर जिसके जड़ में मिट्टी नहीं रहती है रोपाई करते हैं। मखाने की रोपाई के समय पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी लगभग 1 से 1.25 मीटर तक रखी जाती है। पौधरोपण का कार्य सामान्यतः मार्च तक पूरा कर लिया जाता है ताकि फसल से अधिक पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, मखाने में भी उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 75:1, फास्फोरस 45:1 और पोटाश 30 और चूना 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आधा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और चूने की पूरी मात्रा खेत की आखिरी तैयारी के समय और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को 4 से 5 बराबर भाग में बांटकर घोल बना लें और उसे रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर मखाना के पत्तियों पर छिड़काव करें।